ये अज्ञात चार नंबर मक्का बस का स्टॉप है भाई। यहाँ पे दो ही बसें गुजरती हैं, एक का नंबर है 8 और दूसरी का नंबर है 6। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, मैं अब्दुल रज़ाक फुलपुर प्रो। अभी मैं हूँ अज्ञात में, स्टॉप का नंबर है 4 और यहाँ से पकड़ेंगे 6 नंबर मक्का बस। उन लोगों के लिए ये गाइड है जो लोग अलबेक का फुल मेन्यू जो है लेना चाहते हैं या खाना चाहते हैं या उनको पसंद है, क्योंकि हरमपा के पास जो है सिर्फ नगेट्स मिलते हैं, चिकन ब्रोस्ट वगैरह नहीं मिलता है। तो यहाँ से हम पकड़ेंगे 6 नंबर बस। पूरी तफसील जो आपके साथ शेयर करूँगा कि आप मक्का बस का इस्तेमाल करके कैसे उमुल कुरा में जो अलबेक है वहाँ तक जा सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज, और अपना जो अलबेक का फुल मेन्यू वो एंजॉय कर सकते हैं। अभी मैं अज्ञात में, अज्ञात सद का ये खूबसूरत एरिया है जहाँ पे वेट कर रहा हूँ। मक्का बस का स्टॉप है नंबर 4, यहाँ से पकड़ेंगे हम 6 नंबर बस, सीधा जाएंगे उम्मुल कुरा रोड की तरफ। हाँ जी, ये आ गई हमारी बस नंबर 6। वीडियो को ज़रा कंप्लीट देखना है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि बस जो है मक्का बस इस्तेमाल करके आप कैसे जो है अलबेक का फुल मेन्यू जो है आप एंजॉय कर सकते हैं। और आज मक्के का मौसम बड़ा खूबसूरत है, तो माशाल्लाह तबारक अल्लाह। चले जी, बैठते हैं बस में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हफायर में मैं उतर गया हूँ भाई, जो मक्का बस का स्टॉप है। यहाँ पे मेरे एक जानने वाले हैं सज्जाद भाई, उनको लेंगे और फिर दोबारा ही हम 6 नंबर मक्का बस का पकड़ के यहाँ से आगे सफ़र जो है जारी रखेंगे इंशाल्लाह। पूरी तफसील जो आपके साथ शेयर करेंगे उम्मुल कुरा तक। 2 मिनट में सज्जाद भाई, उनको मैंने अभी फ़ोन किया, कह रहे मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो फिर उसके बाद जो है हम दोबारा 6 नंबर, ये सामने मक्का बस का स्टॉप है हफायर में, यहाँ से फिर दोबारा 6 नंबर बस पर चढ़ के आगे उम्मुल कुरा अलबेक तक हमारा सफ़र रहेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साईं किड़ा खैर वालेकुम। उम्र जी मुबारक हो जाए, सफ़ा खैर हो, माशाल्लाह कि लगो, मज़ो आयो न। ये सज्जाद भाई हैं भाई, उम्र पे आए हैं और हमारे पाकिस्तान में भी पड़ोसी हैं और इधर भी पड़ोसी हैं, बहरीन में रहते हैं। अब यू खेलो सफ़ा मत, मज़ो आयो कान है। माशाल्लाह तबारक अल्लाह, बे सफ़ा खैर, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, कबूल करे तहाँ जो। चले जी, अभी निकलते हैं यहाँ से, सेम वही 6 नंबर बस पकड़ेंगे हम और सीधा जाएंगे उम्मुल कुरा रोड, वहाँ अलबेक पे खाना खाएंगे और पूरी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। 6 नंबर बस आ गई है भाई हमारे, इस पे बैठेंगे हम और सीधा जाएंगे उम्मुल कुरा। एक दफ़ा फिर मैं मक्का बस में बैठ गया हूँ, आगे आएगा 32 स्टॉप, फिर 34 और हमने उतरना है 34 नंबर पे। 34 नंबर जो बस स्टॉप है वो बिल्कुल अलबेक के नज़दीक पड़ता है। ये अभी आएगा हमारा भाई 34 स्टॉप नंबर जो है, यहाँ पे हमने उतरने बहुत इतने पान लाना दे। ये उम्मुल कुरा 34 बस स्टॉप है, यहाँ पे हम उतरे हैं भाई। ये देखिए, मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ये देखें सामने, ये 34 स्टॉप नंबर है उम्मुल कुरा, और सामने ये लोहे का ब्रिज भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। हमें जाना है थोड़ा आगे, ये बस हमें अलबेक से थोड़ा पीछे उतारती है, थोड़ा आगे जाएंगे और सामने हमारे आएगा अलबेक। तकरीबन 100 मीटर का फासला है, ज़्यादा नहीं, उस तरफ जो है, और इस तरफ होगा हमारे ये सामने रेस्टोरेंट। में दिखा दूँ आप लोगों को, ये सामने अबू ज़ैद, ये नज़र आ रहा है सामने,
ये अबू जैद रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने हमें जो है बस उतारेगी। तकरीबन 3 मिनट हमें आगे चलना पड़ेगा पैदल, उसके बाद जो है हम पहुंच जाएंगे अल बेक के बिल्कुल सामने। ये देखें जी, ये सामने हमारे उल्टे हाथ पे है अल बेक का बोर्ड, बहुत बड़ा नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, और हमें बस ने उतारा है यहाँ पर, ये इस पुल के सामने। ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3 मिनट की वॉक है, अभी हम रोड क्रॉस करेंगे और जाएंगे इंशाल्लाह अल बेक में, और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और आज जो है अल बेक जो है मेरे साथ जो है सज्जाद भाई भी इंजॉय करेंगे। चलें जी सज्जाद भाई, रोड क्रॉस करनी है हम लोगों ने, बिस्मिल्लाह करें प्यार से। पहुंच गए अंदर। सजर चिकन खाए लो, चिकन स्पाइसी खाए लो, चिकन ना स्पाइसी ना, किलो खाए लो नॉर्मल वाला, नॉर्मल चिकन ब्रोस्ट हां चिकन ब्रोस्ट ठीक है, और पेप्सी ना पानी पानी ठीक है, ता मथे हलो तो मथे रास्ते तो मां बड़ा न ता चो हलो मां 2 मिनट में आचा। नीचे आ गए भाई, यहाँ से हम देंगे अल बेक का ऑर्डर, और ठीक ठाक रश है भाई माशाल्लाह। नुस स्पाइसी, नुस आदी और इतने मोया अल्लाह। शक्कर ऑर्डर दे दिया मैंने भाई। सज्जाद भाई जो है मिर्ची वाला अल बेक नहीं खाते हैं, नॉर्मल खाएंगे, मैंने एक मिर्ची वाला ऑर्डर किया है, अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा इधर ठीक ठाक रश है। अच्छा ऑर्डर में देख के आऊँ भाई, हमारा नंबर आया है 515, अभी तकरीबन 450 चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अच्छा एक दफ़ा फिर मैं रिवाइव कर देता हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। अज्जाद अलसद से 4 नंबर स्टाप से आपने मक्का बस का 6 नंबर पकड़ना है, और उतरना है आके उम्मुल कुरा 34 नंबर स्टॉप पे, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको उल्टे हाथ पे जो है अल बेक का बहुत बड़ा साइन है वो नज़र आएगा, वहाँ से आप जो है पूरा अल बेक का मेन्यू एंजॉय कर सकते हैं। थोड़ा वेट कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि आप जो है टैक्सी पे भी आ सकते हैं, बेक पे जाना इशारा सिद्दीन की तरफ, तो 15 से 20 रुपया लेंगे आपसे, तो आपको अल बेक के सामने उतार देंगे। दोनों तरीके हैं, फ्री भी है और टैक्सी वाला भी है, मगर यहाँ पर ये फ़ायदा है आपको पूरा मेन्यू मिलेगा। हरम पाक के पास जो है अल बेक का पूरा मेन्यू नहीं होता है, सिवाय नेगेट्स के, नेगेट्स होता है सैंडविच वगैरह होता है, तो चिकन ब्रोस्ट हरम पाक के पास नहीं होता, ठीक हो गया जी। अभी वेट कर रहे हैं मैं अपने ऑर्डर का, उसके बाद है थोड़ी देर के बाद जो है हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन ब्रोस्ट। मेरा स्पाइसी है, और जो सज्जाद भाई का है इन्होंने ऑर्डर किया है नॉर्मल मिर्च, ये मिर्ची नहीं खाते, ठीक हो गया जी। ठीक ठाक रश्ता भाई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑर्डर लेके अभी जा रहा हूँ, ऊपर रश कोई नहीं, ज़्यादातर ऑनलाइन का रश है ज़्यादा। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, सबसे पहले इसका फ्राइज मुझे बहुत अच्छा लगता है। सज्जाद भाई इनकी फ्राइज जो है ना, आहा बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह तबारक अल्लाह। शुरू क्यों शुरू क्यों बिस्मिल्लाह क्यों, ये भी अच्छी है, गार्लिक भी जी हाँ। ये है जी इसकी टांग, सबसे जो मुझे पसंद है ना इसकी टांग, ओहो देखिए क्या गरम धुआं निकल रहा है ज़बरदस्त, ओए होए होए, इसको इसमें थोड़ी डुबकी लगाएं उसके बाद देखें क्या, ओए होए होए माशाल्लाह तबारक अल्लाह। अल बेक एक ऐसी चीज़ है, एक तो सबसे पहली बात है ये सस्ता बहुत है माशाल्लाह बनिस्बत केएफसी के या ताजिश के, दूसरा ये है इनका टेस्ट मुनफरद है, बिल्कुल सबसे बेहतरीन टेस्ट माशाल्लाह इनका है। बस यहाँ पे जो है एक ही मसला है, और वो टाइम बहुत लगता है, ओए होए होए समझ लें कि आपका 1 घंटा पक्का गया। Thank you.
अच्छा सज्जाद भाई कह रहे हैं कि भाई बहरीन में भी अलबेक है, मुझे नहीं था पता, दुबई में तो मैंने सुना था मगर बहरीन में भी सज्जाद भाई गिरे, दो ब्रांच खुल गई उधर माशाल्लाह, एक एयरपोर्ट में एक बाहर, जबरदस्त रश बहुत, हाँ रश तो हर जगह होगा, अलबेक का मतलब ही रश है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह भाई लंच हो गया, अभी मैंने सज्जाद भाई को बोला है दो मिनट आप रुकें इधर, मैं गाड़ी को घुमा के लाता हूँ, तो सज्जाद भाई को हफायर में, हफायर डिस्ट्रिक्ट इधर मस्जिद बिल्ला देने वहाँ पे ड्रॉप करना है, और उसके बाद जो है फिर ये हमारा वीडियो हो जाएगा एंड। हाँ जी ये आ गए हम घूम के अलबेग के पास, और ये खड़े हैं सज्जाद भाई, अच्छा सज्जाद भाई को अपने होटल के पास मैंने ड्रॉप किया उनको, और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि मक्का बस इस्तेमाल करके कैसे आप जो है अलबेग का फुल मेन्यू जो है आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई सवाल है या कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।